और इसमें लगा लगान मिल जाएगा तो थोड़ बहुत दुकानदार को ज़्यादा मिलेगा और वो कम पैसा कमा पाएंगे। लेकिन ये जो कंपनी का लगा लगान मिल जाता है तो इसमें दुकानदार का कम फायदा रहता है लेकिन ग्राहक का ज़्यादा फायदा रहता है अगर कंपनी लगा के ऐसे पैनल दे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि रियलमी का फोल्डर कैसे लगाया जाता है। देख लीजिए, गाड़ी से पूरा गिर गया है और ये पूरा टूट गया है। डिस्प्ले भी टूट गई है और इसका हड्डी भी टूट गया है। देख लीजिए, ये डिस्प्ले भी बेकार हो गया है और ये हड्डी भी पूरा टूट गई है, एकदम ये टेढ़ हो गई। इसमें दोबारा फोल्डर अगर लगा देते हैं सोच करके तो फोल्डर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 या 10 दिन में टूट जाएगा। काहे एकदम सीधा नहीं बैठेगी, काहे पूरा एकदम गिर गई है और ये पूरा एकदम टूट गया है। देखिए, इसके लिए हमको पैनल को लगाना पड़ेगा और फोल्डर लगाना पड़ेगा, तब जाके हमको हमारी मोबाइल सही हो जाएगी। देखिए, इस वीडियो में पूरा बताएंगे पैनल का खर्चा कितना आता है और फोल्डर का खर्चा कितना आता है। देख लीजिए, काफ़ी मोबाइल रखे हुए हैं बनाने के लिए, सब टूटी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। देखिए, रोज़ मोबाइल बनाते रहते हैं। देखिए, ये हमारा सेट है रियलमी C11 2021 मॉडल। इसमें C20 वाला फोल्डर लगेगा और इसका C20 वाला हड्डी लगेगी। देखिए, पूरा एकदम टूट गया है, ये कोनो काम का नहीं है हमारा, दो के दोनों। इसको हटाते हैं, देख लीजिए हमारा ये पैनल के साथ डिस्प्ले भी आया हुआ है। देख लीजिए, पैनल पे हमारा डिस्प्ले आया हुआ है। ये बहुत कम मिलता है पैनल के साथ डिस्प्ले लगा लगान, नहीं तो ऐसे ही मिलता, बहुत कम मिलता है। हर मॉडल का नहीं मिलता है, बहुत हेरने पर मिलता है। देख लीजिए, ये पैनल के साथ हमारा पूरा लग के आया हुआ है। कंपनी का इसे लगा लगान आता है लेकिन इसमें 200 ज़्यादा लगता है। जैसे हमको मिला है 950 रुपये मिल गया है। ये फोल्डर और प्लस का उजाद है, हड्डी दोनों एक में कंपनी चपका के दी है। हमको चपकाने का मतलब हमको चपकाने का नहीं है, सिर्फ सामान खोल के लगा देना है बस। देखिए, इसमें ऐसे ही मिलेगा, काफ़ी मॉडल का मिलता है लेकिन दुकानदार ज़्यादा कमाने के चक्कर में अलग हड्डी लगाते हैं और अलग डिस्प्ले लगाते हैं तो उसमें दुकानदार को ज़्यादा मिल जाता है। और इसमें लगा लगान मिल जाएगा तो थोड़ बहुत दुकानदार को ज़्यादा मिलेगा और वो कम पैसा कमा पाएंगे। लेकिन ये जो कंपनी का लगा लगान मिल जाता है तो इसमें दुकानदार का कम फायदा रहता है लेकिन ग्राहक का ज़्यादा फायदा रहता है अगर कंपनी लगा के ऐसे पैनल दे। जैसे डिस्प्ले देखिए, इसका पैनल भी बेकार हो गया है और डिस्प्ले भी बेकार हो गया, दोनों हमको लगाना है। या दोनों अलग अलग खरीद के लेके आए तब लगा के इसमें चपकाएं, या हमको लगा लगान ही कंपनी देती है, दुकान पे मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। अगर दोनों अलग अलग खरीदेंगे तो दुकानदार को 100-150 रुपये सस्ता मिल जाएगा। जैसे ये फोल्डर मिल जाएगा 600 और 150 रुपये में हड्डी, कुल मिला के 650-750 रुपये का ये मिल जाएगा दुकानदार को। लेकिन दुकानदार उतना अच्छा से चपका नहीं सकते हैं। और ये दोनों लगा लगान मिल जाता है, कंपनी लगा के दे देती है मशीन लाए तो 1000 रुपये लेती है, 1000 रुपये रेट है इसका। दोनों मिला के ऐसे ही लगा के देगी। देखिए, इसमें बाब रेट भी दिया हुआ है और इसमें ये भी दिया हुआ है और पीकर भी दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, ओरिजिनल क्वालिटी का रहता है लेकिन ओरिजिनल नहीं रहता है, केयर पर के कंपनी बना के देती है, बहुत कम मॉडल में देती है। देखिए, इसमें पूरा सामान बैठा देंगे, बैटरी बैठा देंगे, चार्जिंग पिन बैठा देंगे, चार्जिंग प्लेट और कई बार मेन प्लेट सब बैठा देंगे तो चलने लगेगी। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, सबसे पहले सब बैठाना चालू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपना बोर्ड को बैठा लेते हैं आराम से। इसको बैठाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए, ये हमारा बोर्ड बैठ गया है, अब नीचे वाला हम चार्जिंग बोर्ड लगा देंगे। देखिए, ये चार्जिंग बोर्ड लगा देंगे,
आराम से लग जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एक सामान जो निखारे हो इसमें वही लग जाएगा। बस देखिए ये हमारा नेटवर्क वाला तार है जो इसमें लगा रहता है, इसको ऊपर में कनेक्ट कर देंगे। देखिए एकदम लग के तैयार हो गई है, इसको लगा दिए हैं एकदम अच्छे तरीके से। देख लीजिए पासवर्ड हमको पता नहीं है, देखिए पूरा बराबर टच काम कर रहा है एकदम अच्छे क्वालिटी में, और एकदम राइट भी बैठी हुई है। देख लीजिए हर तरफ से एकदम ओके है। चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में ऐसे छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं।